मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज गए हैं 8:30 हो गए हैं और मैं अभी बस नाश्ता बना के आई हूँ। और आज नहीं उठी थी मैं सुबह सुबह, क्योंकि मुझे ना पता है रात हो जाता है सोने में, एक तो बज ही जाता है क्योंकि हस्बैंड ही आते हैं 11 बजे तक ऑफिस से, और उसके बाद खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सोते सोते एकदम से नींद भी नहीं आती है, तो एक तो बज ही जाता है। और सुबह उठना पड़ता है ना 5 बजे, अब 3-4 घंटे में नींद भी कैसे पूरी होगी। तो मेरी आँखों में देखिए स्वेलिंग सी हो रही है, अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम है। रात को ये पूरा लाल लाल भी हो गया था अंदर से आँख, और स्वेलिंग अभी भी ना मुझे भारी भारी सा लग रहा है, पर अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो इसीलिए आज मैं सुबह नहीं उठी, मैं उठी 7:30-8 के करीब उठी थी मैं। और उसके बाद अभी मैंने चिवड़ा भूजा हुआ है और मटर भी फ्राई किया है, दोनों वही ब्रेकफास्ट में रहेगा। और देखती हूँ खाने के लिए कुछ बना लेंगे आने के बाद स्कूल से। और सारे चिवड़ा फ्राई किए हैं और इसमें मैंने मटर फ्राई किया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? मैं चढ़ूँगी चाय। उसके बाद अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा दूँ घर में, क्योंकि झाड़ू वाड़ू नहीं लगा है आज, अभी तो उठी हूँ इसलिए। तो अब जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा के फिर पोछा नहीं लगाऊंगी आज मैं, आने के बाद देखेंगे। और उसके बाद नहा के हो जाती हूँ रेडी, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, अगर प्यार दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को लेकर आगे और लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू। और मैंने अभी गेट बंद किया है, बाहर बाबू वो मोबाइल देखा है ना, तो उसकी आवाज़ आ जा रही है, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसीलिए चलिए मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई और बातें करने के बाद मैं देखिए अभी यहाँ पे आ गई हूँ। सबसे पहले बिस्तर फटाफट से मैं दोनों अच्छे से झाड़ के और रजाई वगैरह जो है वो सब मोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पहले वाले बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ दिया, रजाई ठीक कर दी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पर भी मैं बिस्तर, अब मैं बेडशीट उठा के नहीं झाड़ रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं वैसे ही बस बिछे बिछे में ना ऐसे तौलिए वगैरह से अच्छे से बेडशीट को झाड़ दे रही हूँ और चारों कोने से अच्छे से कर दूँगी मोड़ के, और उसके बाद रजाई वगैरह सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके और मैं रख दूँगी और तब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे इस बेडशीट को भी मैं अच्छे से झाड़ के बिछा ली और उसके बाद अब यहाँ रजाई वजाई मोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी हैं अभी, इनकी 2 बजे वाली ही ड्यूटी, और यहाँ पे मैं इनसे अभी बात कर रही थी, इनको बता रही थी ना कि एक गमला है ना उसे थोड़ा सा सही करना था, तो मैं बोली उसको कर दीजिएगा, तो मैं उसमें एक और तुलसी का पौधा लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और अभी मैं ना इसी साइड को रखी हूँ, और इधर एलोवेरा लगाई हूँ, और अभी मैं इस साइड को रखी हूँ लेकिन मैं इसको दूसरे साइड रखूँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं फटाफट से इधर झाड़ू लगा ले रही हूँ। और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और उसके बाद अभी मैं चेंज वेंज करके, और मैं सोची थोड़े से घर के काम कर लेते हैं। अब कल से हमारी छुट्टियां पड़ गई है, अब टीचरों की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, अब सीधे मुझे नेक्स्ट मंडे से स्कूल जाना है, अभी सर्दियों की इतने दिन छुट्टी है। तो मैं सोची कि चलो, अभी नींद नहीं आ रही थी मुझे और बाबू उधर सोया हुआ है, आयुषी बाहर खेलने चली गई है, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैं सोची ये अलमीरा वगैरह का जो ये कपड़े वपड़े हैं इसको थोड़ा अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, जल्दी जल्दी मैं फोल्ड करके देखिए रख देती हूँ ना, तो कैसा भरा भरा सा हो गया। ये वाला तो फिर भी ठीक है सब, ये वाला और ये वाला दो जो है पार्टीशन, उसमें मुझे थोड़ा सही से लगाने, और इतने सारे कपड़े हैं ना फ्रेंड्स मेरे पास अभी धोने के लिए, तो मैं सोची आज ही धो लेती हूँ, धो लूँगी तो निश्चिंत रहूँगी, कल के लिए कोई काम नहीं रहेगा। और अभी से धो दूँगी तो सुबह से धूप निकलेगी तो सुबह से लग जाएगी। ये देखिए अभी ये थोड़े ही कपड़े हैं, आधे अभी आधे और निकलेंगे कपड़े, तो फिर मैं इसको जैसे इकट्ठा की, देखिए यहाँ पे मैंने मशीन वशीन सब कुछ लगा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया पता चला लाइट ही नहीं है, तो जब लाइट ही नहीं है तो कपड़े धुलेंगे कैसे। मैं सोच जब तक कपड़े नहीं धुल रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत काम ही कर लेती हूँ, कुछ आज जितने भी डस्टिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम है वो सब कर लेती हूँ, तो कल के लिए नहीं रहेगा, तो कल आराम से नहा धो के और पूरे दिन सोने वाली हूँ मैं, कल पूरे दिन सोऊँगी। आँखों के नीचे देखिए काला काला भी मेरे होने लग गया, मतलब पहले भी था पर अभी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और आँखों में ना बार बार पानी आ जा रहा है नींद पूरी नहीं होने की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पर बने रहिए। और फ्रेंड्स, अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाबू भी सोया था, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। कपड़े धोने गई तो लाइट ही नहीं थी,
तो मुझे लगा कि ये अलमारी ना थोड़ी सी फैल गई है, तो मैं इसको ही थोड़ा सही कर देती हूँ। गर्मियों के कपड़े एक साइड में, सर्दियों के कपड़े एक साइड में, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके और मैं अच्छी तरह से पूरी अलमीरा को साफ़ कर दूँगी। और क्या होता है ना कि रोज़ कपड़े उपड़े जो भी धुले होते हैं उनको फोल्ड करके और जल्दी जल्दी में ना मैं बस ऐसे ही रख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, तो थोड़ा सा फैल जाता है। और उसके बाद कुछ तो होता है कि बच्चे कपड़े निकालते हैं तो वो भी फैला देते हैं, हस्बैंड निकालते हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा अलमारी फैल जाती है। तो आज मुझे टाइम था तो मैं सोची कि चलो आज ही अलमीरा वगैरह सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपने सारे कपड़े, साड़ी वाड़ी सब जो भी है, ये दो चार साड़ियाँ भी ऊपर रखती हूँ कभी कभार पहनने का मन करता है, तो इन सबको मैं एक साइड में और गर्मियों के कपड़े एक साइड में, सर्दियों के कपड़े एक साइड में, तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे अपने अलमीरा को सेट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने आयुषी के कपड़े भी, उसके भी अलमीरा को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसका भी अलमीरा पूरा फैल गया था, सब में इधर उधर कपड़े वपड़े कर देती है, तो अभी मैं सब कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके और अलमीरा में अच्छे से लगा दूंगी। तो यहाँ पे उसकी भी अलमारी को आज मैं ठीक कर दी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, अभी पोछा लगाने, कपड़े वगैरह सब ठीक कर दी थी, उसके बाद मैं सोचा चलो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया और उसके बाद अब मैं इस तरह से पूरे घर में ही पोछा लगा लूँगी। और सुबह मैं पोछा नहीं लगाई थी, अभी आके लगा रही हूँ। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि चलो अब नहीं लगाई तो क्या शाम को लगाऊँ, नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। फिर मुझे लगता है झाड़ू लगाने के बाद कि चलो पोछा लगा ही लेते हैं, तो मन को शांति मिल जाती है। पोछा लगाने के बाद घर अच्छे से साफ साफ सा लगने लगता है। और उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स दो चार बर्तन पड़े हुए थे, पास्ता बनाई थी मैं स्कूल से आने के बाद, तो मैं और आयुषी हम लोग पास्ता खाए थे, तो मैं सोचा चलो वो भी बर्तन को निपटा ही लेते हैं, उसके बाद ही आराम से बैठूंगी। जब हम पानी का काम करते हैं तो लगता है पूरा पानी का काम ख़त्म ही कर लें, दोबारा पानी ना छूना पड़े, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब। मैं सब काम करके आराम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अभी बस टीवी देख रही थी। यहाँ पे आयुषी भी खेल के आ गई है और मेरा भी सारा काम हो गया है, तो मैं बैठी थी ऐसे ही, तो मैं सोचा चलो वीडियो को एंड कर देते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने बालकनी पूरी तरह से साफ कर दी है और कल मैं तुलसी का पौधा लगाई थी ना यहाँ, तो बहुत ही मिट्टी मिट्टी सा हो गया था, तो देखिए अभी यहाँ पर पूरा साफ सुथरा हो गया है। और यहाँ से मैंने तुलसी हटा के और उस साइड में कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कम खड़े होते हैं हम लोग और यहाँ हम लोग डेली खड़े होते हैं, तो आ जाता है तो अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे फूल आने लग गए हैं और ये हो गई है बालकनी मेरी पूरी क्लीन। और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा लिया। तो तुलसी को ना मैं एक साइड में रख दी हूँ, क्योंकि उधर साइड में लोग कम खड़े होते हैं ना, तो क्या होगा कि वो छू ही नहीं जाएगी ना बार बार, तो सही से रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि तुलसी को मतलब कैसे भी हाथों से कभी मतलब कैसे भी जाके इंसान खड़ा हो जाता है ना, तो वो छू जाती है तो जल्दी सूख जाती है। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुलसी सूखे नहीं, क्योंकि मैंने कितनी बार लगाया। और सबसे बड़ी बात थी जब हम उस वाले घर में रहते थे ना, जब हम 1 BHK में रहते थे उधर, तो उसमें क्या होता था कि उसमें बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, तो वहाँ पे तुलसी मैं लगाती थी और बार बार सूख जाती थी, लगी ही नहीं एक भी बार तुलसी। और इस वाली बालकनी में बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो मैंने जब उस साइड तुलसी माता को रखा है ना, तो वहाँ पे सुबह से सूरज भगवान निकलेंगे तो सीधे सूरज की किरण आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुलसी माता लगती है कि नहीं लगती है। वैसे मैंने इस बार 3 जगह तुलसी लगाई है, 2 इस बालकनी में और 1 उस वाली बालकनी में, मैंने 3 जगह लगा दी है, तो देखते हैं इस बार लग जानी चाहिए अच्छे से। और इस बार ना मुझे छोटे छोटे पौधे नहीं मिले, तो मैं बड़ा ही उखाड़ के ले आई और लगा दी, देखते हैं क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। और मैं देखिए ज़्यादा इधर उधर कहीं घूमने उमने तो जाती नहीं हूँ, इसलिए मेरा ब्लॉग घर का ही रहता है। जो भी मैं घर में करती हूँ वो सब आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करती हूँ। और रोज़ घर में तो काम ही क्या होता है, वही होता है, सुबह से उठो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, तो इसीलिए मैं यही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी स्कूल आजकल जाने लग गई हूँ मैं, तो स्कूल में वहाँ पे मैं सूट नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बस जाने आने के अपने घर पे ही मतलब करती हूँ। मैं भी गई मम्मी के स्कूल में और ये भी गई थी कल मेरे स्कूल में, आज नहीं लेके गई, आज मुझे तुरंत आना था, आज मैं 12:30 तक आ गई थी घर पर, इसलिए मैं लेके नहीं गई। 10 बजे तो गई और 12:30 में आ गई, कल से तो अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब जाना नहीं है। और उसके बाद अभी बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया, धूप निकले हुए ना 4 दिन हो गए, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है। और बाबू अभी भी सो रहा है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने, क्योंकि ठीक है थोड़ी सी इसको भी दूंगी। आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो कभी कभार दे देती हूँ मैं, जब ये बोलती तो हमेशा नहीं देती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ।
तो अभी बैठ के पीऊँगी मैं चाय। और फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।